हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम। आप देख रहे हैं इंदौरी इन ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड, अभी मैं आया था एक गार्डन में घूमने और मैंने सोचा कि आपको कुछ अपडेट्स दे दिया जाए एडिलेड में क्या चल रहा है, क्योंकि फ्रेंड यहाँ कोविड के बाद अभी 3 स्टेजेस में लॉकडाउन खुलना है, जिसका फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो चुका है 1 हफ्ते पहले से। तो फ्रेंड काफ़ी सारी चीज़ों में छूट मिल चुकी है, जैसे कैफ़े खुल चुके हैं, रेस्टोरेंट खुल चुके हैं और काफ़ी सारे छोटी छोटी शॉप्स खुल चुकी हैं। तो अभी हम चलते हैं सिटी और मैं आपको सिटी में बताता हूँ कि क्या कंडीशन है, क्या क्राउड है अभी कोविड के बाद, फर्स्ट स्टेज के बाद। फ्रेंड कुछ टाइम बाद यहाँ पर स्टेज 2 भी चालू होगी, बट स्टेज 1 में ही काफ़ी सारी छूट मिल चुकी है, क्योंकि फ्रेंड बहुत कम कोरोना केसेस थे यहाँ पर और रिकवरी रेट बहुत अच्छा था। तो अभी चलते हैं सिटी और मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। सो फ्रेंड फाइनली मैंने अभी आपको पूरा एक ओवरलुक दे दिया और मैं घर आ चुका हूँ, क्योंकि फ्रेंड बारिश स्टार्ट हो चुकी थी सिटी में, तो मैं इसलिए जल्दी से आ गया क्योंकि मुझे अभी कुकिंग वगैरह भी करना है, डिनर बनाना है। तो फ्रेंड ओवरऑल मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं और कैफे खुल चुके हैं, रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, ऑलमोस्ट फ्रेंड सारी चीज़ें खुल चुकी है। बट कुछ चीज़ें हैं जैसे जिम अभी नहीं खुला है और साथ ही सिनेमा हाउसेस वगैरह बंद है, बाकी फ्रेंड सारी चीज़ें खुल चुकी है। और फ्रेंड काफ़ी सारी और भी अपडेट्स आती रहेगी क्योंकि अभी लॉकडाउन 1 स्टेज का खुला है, 5 जून तक सारी चीज़ें खुल जाएगी। और फ्रेंड अभी काफ़ी लोग मुझसे पूछे थे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट का क्या सीन है, तो फ्रेंड अभी स्टेट बॉर्डर भी क्लोज है क्योंकि वो भी अभी ओपन नहीं हुई है। उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर कब तक ओपन होती है अभी इसकी कुछ मतलब अभी कुछ बताया नहीं गवर्नमेंट ने, क्योंकि अभी स्टेट बॉर्डर ही नहीं खुली है। तो पहले स्टेट बॉर्डर खुलेगी, उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर खुलेगी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंड, लेकिन जो भी अपडेट्स आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही फ्रेंड काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अभी आने वाले टाइम पे क्या जॉब सिनेरियो रहेगा कोविड के बाद, तो फ्रेंड उस पर भी मैं एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, क्योंकि मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड काफ़ी सारी जॉब अफेक्ट्स तो हुई हैं और अभी आप देख सकते हैं क्योंकि अभी अभी लोग निकलना स्टार्ट हुए हैं, तो जो लोग पहले जॉब जिनकी गई थी तो पहले उनको जॉब मिलेगी या उनके जो जॉब छोड़ी हुई थी उनने तो वापस वो जॉब ज्वाइन करेंगे। तो इस पर मैं एक ओवरऑल पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैंने आपको पूरी कंडीशन बता दी एडिलेड में, क्योंकि एडिलेड में केसेस बहुत कम थे पिछले कुछ काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट 1 महीने से 1.5 महीने से यहाँ पर एक एक दो दो केसेस आ रहे थे, बट अभी पिछले 20 दिन से तो यहाँ कोई केसेस नहीं है, 0 केसेस है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और फ्रेंड बैक टू नॉर्मल हो चुका है एडिलेड। तो इसके बारे में मैं और अपडेट दूंगा और जो जो मैंने आपको अभी बोला है कि जैसे कि जॉब सिनारियों के बारे में और साथ ही
इंटरनेशनल बॉर्डर्स कब खुल सकती है उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा जैसे ही अपडेट आएगी। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो से आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।